नमस्कार। आज एक ऐसे खबर की बात जो राहत देने वाली है। भारत सरकार के गरीबों के अच्छे दिन आने के दावे पर अब संयुक्त राष्ट्र संघ ने भी अपनी मुहर लगा दी है। संयुक्त राष्ट्र की एक ताजा रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में पिछले 10 साल में 27 करोड़ से ज्यादा लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकलने में कामयाब हुए हैं। बहुआयामी गरीबी का आकलन सिर्फ आय के आधार पर नहीं बल्कि स्वास्थ्य की खराब स्थिति, कामकाज की खराब गुणवत्ता और हिंसा का खतरा जैसे 10 संकेतों के आधार पर किया जाता है। बच्चों के स्कूल में बिताए गए साल और स्कूल में उपस्थिति होने की दर भी बहुआयामी गरीबी इंडेक्स में शामिल है। जिस झारखंड राज्य में 2015 में एक गरीब जनजातीय महिला की मौत को कुछ संगठनों ने भुखमरी से होने का दावा करके सनसनी फैला दी थी, उसी ने इस बार सबसे अच्छी खबर सुनाने में सबसे ज्यादा भागीदारी निभाई। रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में गरीबी में कमी के मामले में सबसे ज्यादा सुधार झारखंड में देखा गया। यहां बहुआयामी गरीबी 2005-06 में 74.9% से कम होकर 2015-16 में 46.5% पर आ गई। संयुक्त राष्ट्र की एक रिपोर्ट के अनुसार साल 2005-06 में भारत के करीब 64 करोड़ लोग यानी 55.1% गरीबी में जी रहे थे। यह संख्या 2015-16 में घटकर 36.9 करोड़ यानी 27.9% पर आ गई। इस तरह केवल 10 साल के बीच रिकॉर्ड 27.10 करोड़ लोग गरीबी से बाहर निकले हैं। खाना पकाने के स्वच्छ ईंधन, साफ सफाई और पोषण जैसे क्षेत्रों में मजबूत सुधारों ने 10 मानकों वाले बहुआयामी गरीबी सूचकांक पर पिछड़े लोगों को बड़ी तादाद में इस दलदल से बाहर निकालने में मदद की है। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम यूएनडीपी और ऑक्सफोर्ड पॉवर्टी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट इनिशिएटिव ओपीएचआई ने वैश्विक बहुआयामी गरीबी सूचकांक को तैयार किया। बहुआयामी गरीबी सूचकांक 2019 गुरुवार को ही जारी किया गया है। रिपोर्ट में 101 देशों का अध्ययन किया गया था। इसमें 31 न्यूनतम आय, 68 मध्यम आय और 2 उच्च आय वाले देश थे। संयुक्त राष्ट्र की रिपोर्ट में गरीबी में कमी को देखने के लिए संयुक्त रूप से करीब 2 अरब आबादी के साथ 10 देशों का अध्ययन किया। आंकड़ों के आधार पर इन सभी ने सतत विकास लक्ष्य 1 प्राप्त करने के लिए बड़ी प्रगति की। सतत विकास लक्ष्य 1 से मतलब गरीबी को सभी रूपों में हर जगह खत्म करना है। रिपोर्ट में कहा गया है कि 10 संकेतकों जिनमें पोषण, स्वच्छता, बच्चों की स्कूली शिक्षा, बिजली, स्कूल में उपस्थिति, आवास, खाना पकाने का ईंधन और संपत्ति के मामले में भारत के अलावा इथियोपिया और पेरू में उल्लेखनीय सुधार दर्ज किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक सबसे ज्यादा प्रगति दक्षिण एशिया में देखी गई। भारत में 2006 से 2016 के बीच 27 करोड़ लोग, जबकि बांग्लादेश में 2004 से 2014 के बीच लगभग 2 करोड़ लोग बहुआयामी गरीबी से बाहर निकले। इसमें कहा गया है कि 10 चुने गए देशों में भारत और कंबोडिया में बहुआयामी गरीबी सूचकांक में सबसे तेजी से गिरावट आई। इन देशों ने सबसे ज्यादा गरीब लोगों को इस दलदल से बाहर निकालने में कोई कसर नहीं छोड़ी। तो आज के लिए इतना ही। अगली बार एक हम नई खबर के साथ आएंगे। तब तक के लिए नमस्कार।